morning student. In this video I will explain you chapter 12 special type of quadrilateral. Let's start it. Chapter name is special types of quadrilateral. Quadrilateral सबसे पहले क्या होता है समझ लेते हैं. देखिए फोर साइड से मिलके जो क्लोज फिगर बनता है इसको हम quadrilateral बोलते हैं. क्या फोर साइड से मिलके जो क्लोज फिगर बनता है, फोर साइड है देखिए, इससे मिलके जो क्लोज फिगर बनता है, क्लोज फिगर है, यहाँ से कहीं से ओपन नहीं है ये, तो ये इस टाइप के जो फिगर होते हैं क्वाड्रिलेटरल होते हैं. यहाँ पर कितने साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी और डी जी डी ए, फोर साइड्स हैं. वर्टेक्स पहला पॉइंट है. वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, कॉर्नर होते हैं जो इसके मिड पॉइंट जहाँ पे साइड्स मिलती हैं ये इसके वर्टेक्स होते हैं. तो कितने वर्टेक्स हैं यहाँ क्वाड्रिलेटरल में, फोर वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी डी. साइड्स, साइड्स कितनी होती हैं, साइड फोर साइड से मिलकर बनता है क्वाड्रिलेटरल, तो ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये इसकी क्या है, फोर साइड्स हैं. डायगनल, डायगनल क्या होता है, जो किसी फिगर को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू डायगनल्स हैं यहाँ ए सी और डी बी, डी बी ए बी ए सी और डी बी. एंगल्स, एंगल्स क्या होते हैं, जब दो साइड्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी, कितने एंगल बन रहे हैं, चार एंगल. अपोजिट वर्टिक्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्टिक्स हैं, जैसे वर्टिक्स, ये वर्टिक्स थी ए, इसकी अपोजिट वर्टिक्स सी है और बी है, बी की अपोजिट वर्टिक्स डी है. एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स होती हैं किसी भी दो लाइन जो एक पॉइंट पर मिलती हैं, ये एडजेसेंट साइड होती हैं, तो डी ए और ए बी ये क्या है, एडजेसेंट साइड है. सिमिलरली ए बी और ये भी एक पॉइंट मिल रही है, सी बी, ये इसकी एडजेसेंट हो गई, एडजेसेंट साइड्स. और इसके बाद बी सी डी बी सिमिलरली, तो सी डी डी ए बी एडजेसेंट साइड्स हैं. इसके बाद है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या होती है, ए बी की अपोजिट क्या है, डी सी, तो ये इसकी अपोजिट साइड हो गई. और ए डी के सामने क्या है, बी सी, ये इसकी अपोजिट साइड हो गई. नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल क्या है, एंगल ए बन रहा है इसके एडजेसेंट क्या है, एंगल बी है बिल्कुल जो आसपास हो, और बी के आसपास क्या है, बी के पास सी है, तो बी का एडजेसेंट सी है, सी का एडजेसेंट डी है और डी का ए है, तो ये इसके एडजेसेंट एंगल, ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी, बी और सी और डी और ए. अपोजिट एंगल से होंगे, अपोजिट एंगल, एंगल ए के अपोजिट क्या है, सी है, और एंगल बी के अपोजिट डी है. इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट का क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर के जो पॉइंट है इंटीरियर और जो इसके बाहर के पॉइंट है वो एक्सटीरियर. तो देखिए इसके अंदर है के एल एम, ये तीन पॉइंट्स क्या हैं, इसके इंटीरियर पॉइंट है, और आई छे ये क्या है, इसके एक्सटीरियर पॉइंट है, और ए बी सी डी एच जी एफ ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और ये इसके प्लेन के पॉइंट्स हैं, इसको बाउंड्री पॉइंट भी बोलते हैं. एंगल्स सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360. ये याद रखने का मेन पॉइंट है, एग्जाम में भी आ सकता है ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, कि जो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, एंगल्स के चारों एंगल्स का जो सम होता है, क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं, इनका सम 360 डिग्री होता है. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, इनका सम 360 डिग्री होता है. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. इसके बाद हम एक्सरसाइज देख लेते हैं. एक्सरसाइज आपके 12.1. देखिए इन एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, हम बना लेते हैं. देखिए क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, कोई भी फिगर बना सकते हैं, ए बी सी डी. इसमें एंगल ए क्या दे रखा है, 70 अपनी तरफ से बना सकते हैं, एंगल बी 50 दे रखा है, एंगल सी 125 दे रखा है, हमें एंगल डी फाइंड करना है. तो देखिए इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को इस तरह शो करते हैं, जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं ना, ट्रायंगल को हम इस तरह शो करते हैं, सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल को हम यहाँ पर फोर साइड से बना के क्लोज फिगर्स शो करते हैं, ए बी सी डी है, जिसमें हमें पता है कंडीशन क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों का सम 360 के बराबर होता है. और गिवन क्या है, हमें एंगल ए की वैल्यू पता है, बी की पता है, सी की पता है, तो हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे. एंगल ए की जगह मैंने यहाँ पर रख दिया, एंगल बी की जगह यहाँ वैल्यू रख दिया, सी की जगह, एंगल डी हमें फाइंड करना है इक्वल में 360.
इन तीनों को प्लस करेंगे 245 मिलेगा, प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो डी हम निकालेंगे तो देखिए ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 में से अगर 245 को लेस करेंगे तो 115 मिलेगा, तो हमारा एंगल डी क्या आ गया यहाँ पर 150 डिग्री। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपको बाकी के करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल डी दे रखा है और ए बी सी एक कंडीशन दी है कि ए बी सी आपस में क्या है बराबर है, तो हमें ये एंगल से ए बी सी जो बराबर है वो निकालना है। देखो गिवन क्या है, एंगल डी 150 डिग्री और एंगल ए बी सी बराबर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि एंगल ए बी सी की जो वैल्यू होगी वो एक्स होगी, कुछ भी होगी वो एक्स है। तो देखिए कंडीशन क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होता है 360, और ए बी सी हमने एक्स मान लिया है और डी हमें 150 दिया है, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 150 इक्वल 360, 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 210 बचेगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कैलकुलेशन है तो डिवाइड करेगा तो 3 से एलिमिनेट करेंगे तो 70 टर्म आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 70। तो हमने एंगल ए को भी x माना था, बी को भी और सी को, क्योंकि हमें कंडीशन दी थी कि तीनों एंगल बराबर हैं, तो तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, ए बराबर 70, सी बी बराबर 70 और सी बराबर भी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फोर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, अब इनके जो एंगल्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल के रेशियो में दिए हैं, अब वो बोल रहा है एंगल्स निकालने हैं इन डिग्रीज। तो देखिए हमें क्या करेंगे, एंगल्स में रेशियो में दिए हैं, सबसे पहले हम इनका सम करेंगे, सम ऑफ रेशियो करेंगे, 2 + 3 + 4 + 6 करेंगे तो 15 आएगा, इसके बाद हम एंगल निकालेंगे। फर्स्ट एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रेशियो है वो लिखेंगे, जो हमने सम किया है अपॉन में वो लिखेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, 15 के टेबल से मैंने इसको काट दिया, 24 टर्म्स कटेगा और 24 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगी तो 48 डिग्री हमें पहला एंगल मिल जाएगा। सिमिलरली सेकेंड एंगल निकालेंगे तो सेकेंड रेशियो क्या है, 3 अपॉन में टोटल 15 मल्टीप्लाई 360, अगेन ये 24 टर्म्स ही कटेगा, 24 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगी तो मिलेगा 72 डिग्री। इसी तरह सेकेंड थर्ड एंगल निकालेंगे, थर्ड रेशियो 4 था अपॉन 15 मल्टीप्लाई 360 तो 96 मिल जाएगा, और फोर्थ रेशियो था 6 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 360, तो हमारे चारों एंगल मिल जाएंगे 48, 72, 96 एंड 144। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा। इसके बाद एफ क्वेश्चन, ई और एफ आपको खुद से करना है। देखिए आपको रेशियो दिया हुआ है, एंगल निकालना है, रेशियो दिया हुआ है 7, 8, 10, 11, आपको रेशियो से एंगल में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज 12.1 कम्प्लीट हो गई है और इसके बाद मैं आपको 12.2 और 3 नहीं करा रही हूँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रही हूँ वो देख लीजिएगा। देखिए वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल समझते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्लोज फिगर होता है, फोर साइड से मिलकर क्लोज फिगर बनता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। तो पहला इसके टाइप्स हैं, तो पहला है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर क्या होते हैं अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल साइड इसमें दी है ए बी और डी सी। ए बी और डी सी का मतलब क्या है, पैरेलल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इस साइड को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या रहती है, हमेशा इक्वल रहती है, जो पहले थी वही बाद में रहती है, इसलिए हम इसको पैरेलल बोलते हैं। अब ये वाली पैरेलल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँगी ये थोड़ी तिरछी है तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं पे जाके मिल जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए ये वाली साइड जो ए डी और सी बी है ये पैरेलल नहीं है, ये नॉन पैरेलल है। तो पैरेलल कौन सी है, ए बी और सी डी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये स्ट्रेट ही जाएगी। तो उसमें ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में जो एक वन साइड होती है अपोजिट साइड वो पैरेलल होती है, ठीक है, और पैरेलल का साइन होता है डबल लाइन, इस तरह हम पैरेलल को शो करते हैं। तो कौन सी पैरेलल है, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। आगे देख लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेलोग्राम। पैरेलोग्राम क्या होता है, देखिए पैरेलोग्राम होता है, अ पैरेलोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। अब देखिए इसमें क्या होता है, पैरेलोग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो दोनों साइड अपोजिट साइड होती है पैरेलल होती हैं, ये वाली इसके पैरेलल होती है, ये वाली इसके पैरेलल होती है, ठीक है। तो पैरेलल का साइन मैंने आपको बता ही दिया, ये होता है। थर्ड है रोम्बस, रोम्बस इज अ पैरेलोग्राम इन विच ऑल द साइड आर इक्वल। ए बी सी डी इज अ रोम्बस इन विच, अरे ये रोम्बस क्या होता है, इसमें ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होते हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। तो ये और रोम्बस में क्या होता है, ये ऑल साइड इक्वल होती हैं और ये अपोजिट साइड क्या होती हैं,
पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी, सी डी बराबर डी ए, चारों साइड पैरेलल इक्वल होती हैं, और ए बी पैरेलल होती है डी सी के और ए डी पैरेलल है सी बी के। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पता ही है आपने, पहले बहुत बार पढ़ा होगा, रेक्टेंगल इज ए पैरेलोग्राम इन विच ईच ऑफ केस ऑफ ईच एंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, चार साइड से मिलकर क्लोज फिगर जो बनता है फोर साइड से मिलकर वो रेक्टेंगल होता है, और ये क्या होता है, इसमें ईच एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, इसके जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। 90 एंगल क्यों होता है, देखिए जब भी दो लाइन सीधी जा रही होती हैं इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसका पैरेलल होता है, और इसमें कंडीशन होती है एंगल ए बराबर एंगल बी इक्वल एंगल सी और एंगल डी, चारों एंगल 90 के होते हैं, और ये साइड ए बी डी सी के इक्वल होती है और ए डी बी सी के इक्वल होती है। स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड आर इक्वल, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज ऑल्सो अ 90 डिग्री। इसमें भी देखिए क्या होता है, ईच साइड जो होती एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और डिफरेंस क्या होता है देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर में, कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ये साइड इस ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, ये वाली इसकी, मगर स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों साइड बराबर होती हैं, चारों एंगल बराबर होते हैं। नेक्स्ट है काइट। अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड बट द अपोजिट साइड आर अनइक्वल। देखिए इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड अनइक्वल होती है, काइट का फिगर बना हुआ है, और टू साइड ए वाली इसकी इक्वल होती है, ये इसकी इक्वल होती है, तो ए बी बराबर बी सी और ए डी बराबर सी बी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं आपको बता रही थी जो पेपर में आपके आ सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऐसा आपका पूछा जाता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं चारों एंगल्स उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब देखिए अ क्वाड्रिलेटरल सेकेंड पॉइंट है, अ क्वाड्रिलेटरल विच विद अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर है अपोजिट साइड का पैरेलल है तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेपीजियम। मैं आपको ऑप्शन दे सकती हूँ, ट्रेपीजियम पैरेलोग्राम क्या होगा, जिसमें वन साइड पैरेलल होती है वो ट्रेपीजियम होता है, और जिसकी ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, जिसकी दोनों साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, वो पैरेलोग्राम होता है। पैरेलोग्राम में ऑल साइड इक्वल होती हैं विद अ सेकेंड फोर्थ पॉइंट है, पैरेलोग्राम विद ऑल साइड इक्वल इज अ रोम्बस। देखिए पैरेलोग्राम जिसमें ऑल साइड इक्वल हो तो वो रोम्बस हो जाता है, रोम्बस में क्या होता है, वो भी पैरेलोग्राम है मगर उसमें क्या होती है, ऑल साइड इक्वल। अब पैरेलोग्राम विच ईच एंगल राइट एंगल इज अ, अगर पैरेलोग्राम है और इसका ईच एंगल राइट एंगल है तो वो क्या बोलाएगा, कहा जाएगा उसको रेक्ट एंगल। तो ये मेन पॉइंट थे आपको जो एग्जाम के पर्पज से थे, मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और इसमें आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, यहाँ पे आपका मैथ सेकेंडरी सिलेबस भी कंप्लीट हो गया।